अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग फूड एंड फन विद नवीद एंड विद ज़ैनब। या जाना एंड टुडे अंकल गोइंग टू कुक मटन बिरयानी। यू लाइक मटन बिरयानी? या ओह वाओ माय गॉड, सो टुडे वी गोइंग टू मटन बिरयानी। या ओह माय गॉड, एंड टुडे वी गोइंग टू कुक मटन बिरयानी एंड हाउ टू कुक। कम विद मी, आई शो यू। जी व्यूअर देखे, हमारे पास तीन कटी हुई ऑनियन है मीडियम साइज और एक गार्लिक का फूल है हमारे पास कटा हुआ, और 2 स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट है, और 2 कटे हुए मीडियम साइज के टमाटर हैं, और यानी कि 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून अपना क्या नाम वन टेबल स्पून सॉल्ट, और बड़ी 3 अदद बड़ी इलायची और लौंग वगैरह मिक्सर हमारे पास है। तो अभी हम इस अपना ऑयल को गर्म करते हैं, चले आए। तो व्यूअर सबसे पहले हमने फायर ऑन कर लिया और अभी इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे, ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। मटर बिरयानी बनाने के लिए हम ऑलिव ऑयल का यूज करेंगे। ऑलिव ऑयल के बाद हम इसमें तो ग्रीन चिली यानी कि तोड़ के डालेंगे, तो ग्रीन चिली डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें ऑनियन, ऑयल गर्म हो चुका है इसमें सबसे पहले ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन ऐड करने के बाद इसमें जो हमारे यानी कि 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और बड़ी लौंग और इलायची जो मसाला है हम इसमें मिक्स करेंगे अभी से ऑनियन के साथ ही। जी व्यूअर देखें, प्याज गर्म हो चुकी है यानी कि ऑनियन हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम अपना जो 1 केजी हमारे पास मटन है, 1 केजी अब मैं इसमें 1 केजी मटन अपना ऐड करूंगा। वन के जी मटन ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हम यानी के मटन को अच्छी तरह पकाएंगे यानी फ्राई करेंगे, कम से कम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसको और मिक्स करते रहेंगे साथ साथ। जी व्यूअर देखें, अभी यानी कि गोश्त यानी कि अच्छी तरह बनाई हो गया यानी कि फ्राई हो गया। अभी इसमें हम जो हमारे पास 2 स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट है वो ऐड करेंगे, और जो गार्लिक है हमारे पास एक कटा हुआ गार्लिक है वो गार्लिक ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, मिक्स करने के बाद इसमें हम अभी जो हमारे पास 2 कटे हुए मीडियम टमाटर थे वो टमाटर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इस पे 1 कप वाटर ऐड करेंगे। 1 कप वाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद इसको रिवर, अभी हम प्रेशर कुकर को जाने के कवर कर देंगे, कम से कम भी 10 मिनट के लिए, ताकि मटन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, हमारा जो गोश्त है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं, 10 मिनट के लिए पकने देते हैं प्रेशर कुकर को। जी लोगों देखें 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम इसको यानी कि चूल्हे को बंद कर देते हैं, स्टॉप को ऑफ कर देते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह मटन गल गया होगा। अभी प्रेशर कुकर ओपन करते हैं। जी अभी प्रेशर कुकर खोलते हैं, मटन अभी पूरा हमारा गल चुका है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है मटन हमारा पूरा। तो अभी देखें, अभी मैंने 1 kg राइस को यानी कि बॉईल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें हम जो मटन पका हुआ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मटन को हम इसके ऊपर इसकी तह लगाते हैं मटन की, और बहुत ही आराम से मटन की तह लगानी है अल्हम्दुलिल्लाह। लगाने के बाद अब इसमें राइस डाल देंगे, बहुत सादे तरीके से पकाया है, ना कोई कलर कुछ डाला नहीं, सिर्फ नेचुरल तरीके से विदाउट केमिकल, केमिकल नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और इस पे भी राइस को तेल लगा देंगे ऐसे, बस जो हरा धनिया है हम इस पे हरा धनिया तरह से सजा देंगे। करने के बाद हम अब इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। देखते हैं अभी हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो गए दम पे रखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए व्यूअर बिरयानी पक गई है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखें मटन बिरयानी बहुत ही अच्छी पक गई है, इसको प्लेट में डालता हूँ। बहुत अच्छी पक गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी मटर बिरयानी पकी है।
गोश्त भी गल चुका है। जी व्यूवर, आपने देखा मैंने मटर बिरयानी बनाई, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी। मैंने खुद भी खाई, मैंने अपने दोस्तों को भी खिलाई और माशाल्लाह एक छोटी सी बच्ची जैनब ने भी खाई, मेरी दोस्त है, मेरी सब्सक्राइबर है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। तो इंशाल्लाह व्यूवर कीप टच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तो इंशाल्लाह ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ मिलता हूँ आपसे दोबारा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, सबका अल्लाह ख्याल रखे। आपकी जो नेक दिली तमन्नाएं अल्लाह उसको पूरी करे। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।